पहले जब ये तकलीफ थी तो अस्पताल नहीं गए, खर्चा बहुत आता था इसीलिए ऑपरेशन नहीं कर पाए। इतना खर्चा आता था तो बताते थे? एक डेढ़ लाख तक आएगा। और अभी ये हो गया तो कैसा लग रहा है? अभी ठीक है। अच्छा, बॉल का प्रॉब्लम है? बॉल आपको भी? हाँ। कैसे है इतना बॉल का हो जाता है? एक बरस से। फिर आपने क्या किया? 3 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 4 लाख ऐसे बोलते थे। एक योजना चालू होने वाली है, नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत योजना। एक महीने के बाद में गया तो मेरा ऑपरेशन फ्री में होगा, एक रुपया नहीं लगा। अभी ठीक हो गया, खाना पीना सब फुकट। तो आप खुश हैं? एकदम सही है। चलिए, कब से थी गांठ? छह महीने से। तो फिर डॉक्टर के पास नहीं जाते थे? जाते थे लेकिन पैसे नहीं थे ना। कितना मांगते थे? क्या वो कौन बोलते 20,000 लगेंगे, कौन 30, 32 ऐसे बोलते थे। हाँ। और अभी मुफ्त में हो गया। ओ। तो तुम्हारे पिताजी खुश है? माँ भी खुश है? बहुत खुश। घर में अच्छा लग रहा है? ओ। तो कैसे हो गया ये मुफ्त में? अपने स्कीम निकाली आयुष्मान। इसका लाभ मिल गया? ओ। अच्छा, क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया था। कब हुआ था? एक जनवरी को। अच्छा, जनवरी को ऑपरेशन हो गया आयुष्मान भारत योजना में। हाँ। तो इंदिरा हॉस्पिटल में शेरपुर को इलाज किया था सर। हाँ। तो डॉक्टर को 1 लाख रुपए बोल रहे थे, 1 लाख रुपए रोल डालने का। हाँ। और एक महीना अस्पताल में भर्ती करने के। हाँ। फिर मैंने वो योजना देखी, कार्ड मिला घर पे, तो कार्ड पे हॉस्पिटल में ले गया, डॉक्टर ने बोला मूड नहीं हो जाएगा। तो आपने 6-8 महीने तक तकलीफ झेली? अभी जनवरी हुआ सर, 1.5 महीना अभी जनवरी। अच्छा, अच्छा लग रहा है सर अभी। हाँ, बहुत अच्छी, अभी ठीक हो गया है। क्या कारण था ये? आपके यहाँ सब बॉल वाले ही है, इसका क्या कारण है? सिकल सेल है सर। है सिकल सेल? सिकल सेल है। अच्छा, बचपन से पता था कि सिकल सेल है तुम्हें? बाद में पता चला। ये अभी ठीक हो गया है? अच्छा, आप हमारे लिए तो अभी भगवान भी है, क्योंकि ये सब गरीब लोग हैं, इसके इनके वजह से 1-2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? आयुष्मान भारत की वजह से सब भारत का ये हो जाएगा, अच्छा होगा, क्योंकि अभी किसी को भी कुछ हो गया तो अभी जा सकते हैं। अभी गांव वालों को पता चला है कि ऐसी योजना आई है? किसी को मालूम नहीं था सर, ये तो किसी को मालूम नहीं था। मैं जिधर के एम में गई थी ना सर, मेरे वजह से कम 6-5 लोगों के लिए ये गोल्डन कार्ड बनाया था। सितंबर में गिर गया था तो ये बेहोश हो गया था, 8 घंटा बेहोश था। सेवा में इसका इलाज हुआ है, पूरा एकदम फर्स्ट क्लास, अभी एकदम अच्छा है, कोई चीज का टेंशन नहीं। कहाँ किया फिर ऑपरेशन? सेवा हॉस्पिटल। तो डॉक्टर पहले क्या बताते थे, कितना खर्चा होगा? डॉक्टर ये तो जैसा गिरा वैसे हम उसको लेके गए वहाँ पे सेवा हॉस्पिटल में। हाँ। और वहाँ पे जैसे योजना में बैठा है उन्होंने, 1 रुपए भी यानी मुझे लगा नहीं। आपका गोल्ड कार्ड निकला हुआ था आयुष्मान भारत का? हाँ। अभी ठीक हो गया? एकदम फर्स्ट क्लास, स्कूल वगैरह सब जाता है। अच्छा, हंसता खेलता है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस योजना में और कोई सुधार करने जैसा लगता है कि अच्छा बनाया है योजना? हैं? हैं? कोई बीच में रिश्वत तो नहीं मांगता है ना? कोई पैसा नहीं मांगता है ना? हाँ, देखिए आपके परिचय में कोई भी गरीब हो, आपके रिश्तेदार हो, अगर गरीब है तो उनको चिट्ठी लिखो कि ऐसा योजना चलता है मोदी जी का, अगर आपके यहाँ कोई बीमार है तो जरूर लाभ लो, क्योंकि योजना गरीबों के लिए है। लेकिन अगर गरीबों को पता ही नहीं चलेगा तो योजना योजना की जगह पर रहेगा और गरीब बीमार परेशान होता रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि इस देश में कोई भी गरीब हो, बीमारी के कारण उसको जिंदगी भर मौत का इंतजार करना पड़े, ऐसी स्थिति नहीं चाहिए। मेरी दीदी का लड़का है, ज़्यादा नहीं उसकी उम्र 2 महीने या 3 महीने होगी, वो एमपी में, उसको हार्ट का भी और दोनों किडनी का भी प्रॉब्लम है। तो मेरा आपसे विनती थी कि मैं उनको वहाँ से ला के यहाँ महाराष्ट्र में इलाज करा सकता हूँ? हाँ, करा सकते हैं। अगर वो गरीब है। हाँ, गरीब है तो उसको गोल्ड कार्ड मिल सकता है। मैं मेरे अफसरों को कहता हूँ, वो लिख लेंगे। हाँ। है? वो कहाँ पर है, क्या है, तो उसको वहाँ पे यहाँ ला करके भी कर सकते हैं और यहाँ भी उसको पैसा मिल जाएगा। इसकी एक विशेषता है कि मान लीजिए आप
दिल्ली गए हैं और वहां कुछ हो गया तो आपका गोल्ड कार्ड होगा तो वहां भी आपको ट्रीटमेंट मिलेगी, पैसा मिलेगा। अगर मान आप कलकत्ता में है और वहां कुछ हो गया तो वहां भी मिलेगा। किसी डॉक्टर ने बताया कि आपकी बीमारी है ये तो यहाँ नहीं हो सकती है, चेन्नई में होगी, तो आप चेन्नई जाकर कराओगे तो भी पैसा मिलेगा। पैसा सीधा डॉक्टर के पास जाएगा, आपको एक रुपया खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आपको अभी फायदा मिला है तो बताना चाहिए, तो इससे कारण क्या होगा, गरीब को मदद मिल जाएगी। वरना बीमारी एक ऐसी चीज है कि गरीब को गरीबी से बाहर आने ही नहीं देती। अच्छा, आप में से जो नौजवान है कुछ तमाकू बामों की आदत नहीं है ना? हाँ, अगर इतना मैंने किया तो मेरे लिए भी कुछ करो आप। हैं, तमाकू बामाकू की आदत नहीं होनी चाहिए वरना और बर्बादी हो जाएगी। चलिए, आप सब सुखी रहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, फिर से बीमार